माही, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। क्या तुम्हारा गाना सुनना सजा के बराबर है? एक बात कान खोलकर सुन लो मेरी, तुम्हारे चाल से अपनी बहन को मैंने बड़ी मुश्किल से निकाला, मेरी मम्मा के पीछे पड़कर दोबारा वो गलती मत करना। You better stay away and I'm warning you। सत्या stay away तो करेगा नहीं, उल्टा मैं तुम्हें एक चैलेंज देके जाता है, कल सूरज डूबने तक तुम मेरे पास मदद मांगने को आएगी। Yeah right। देखते। अरे हाँ, एक बात तुम्हें बताना भूल ही गया, वो तुम्हारा फोन तो है ना, तुम्हारा फोन उसका कभी कभी चार्जिंग पे लगा लेने का, तुम्हारे फोन की बैटरी ना मर गई है एकदम तुम्हारी आवाज के बाफे। क्या? What? अभी कुछ भी करके ना मेरे को वो पायल सेन गुप्ता को भरोसा जीतना पड़ेगा, अगर मैंने उसका भरोसा नहीं जीता ना तो ये चौल वालों की मदद नहीं कर पाएगा। मैं मालूम, मैंने सोच लिया है सिस्टर कि उस पायल सेन गुप्ता को तो मैं ऐसी शेंडी लगाया ना, ऐसी मस्त शेंडी लगाएगा कि अपना इस घर में नौकरी देगी मेरे। अच्छा, आपने कहा और उसने कर लिया, वो बहुत पहुंची हुई चीज है पायल। हाँ तो मैं क्या कोई कम पहुंची हुई चीज है, किसी से कम है क्या तेरा दादा? अरे बाप है मैं उसका शेंडी गिरी में, बस एक ही टेंशन है मालूम, आई क्या पता नहीं आई के साथ में क्या प्रॉब्लम है, वो पायल सेन गुप्ता का नाम सुनती है ना ऐसा परिंदा के नाना पाटे के सर पीटने लग जाती है, मालूम नहीं क्या दिक्कत है। अभी खाली आई को कंट्रोल में रखने का, बाकी सब मैं कर देगा। और हाँ, वो सुनील बाबू के सामने कुछ बोल मत देना, उसके पेट में लूजीज लगे है, सब बात निकल जाता है बाहर। बिल्कुल सही कहा दादा। साहब, अपना सत्या बचपन से इधर ही रहता है, यही चौल में, क्यों क्या हुआ? तो अपने आई की सुनता क्यों नहीं रहे? कितनी बार कहा मैंने कि मुझे इस चाल के कमेटी पे नहीं रहना है, कोई काम नहीं करना है, बात समझ में नहीं आती? पर काहे को नहीं करने का है? अभी तेरी जो पोजीशन है वो मेरी वजह से छिनी है ना, तो मैच तेरे को वापस लाके देगा। अभी तेरे को उधर काम करने का है कि नहीं करने का है, किसी को दान में देने का है, वो तू देख। पनाई मैं खाली एक बात जानता है, आज के बाद ना अपनी सेहत के बारे में मेरे से झूठ नहीं बोलने का। क्या ये झूठ बीट है ना, ये मेरी वो रेस्टोरेंट आनी बार वाली पर्सनैलिटी पे जाता है, तेरे शुद्ध शाकाहारी भोजनालय वाली पर्सनैलिटी पे नहीं जाता है, समझी? क्या बोलने का नहीं आज के बाद झूठ। अभी चलता है, मैं काम है मेरे को, आशीर्वाद दे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। चल रे सत्या, तेरी अगली मंजिल तेरा वेट कर रही है। सत्या के बारे में मुझे मम्मा को बताना होगा, मैं अब और नहीं रुक सकती। सिद्धार्थ, लिसन टू मी, यश जोकर है। सिद्धार्थ, तुम यहाँ कैसे आए? सिद्धार्थ, मेरी बात सुनो रोशनी, यश जोकर, लिसन टू मी, डैम इट, यश इज द जोकर, मेरे पास वक्त नहीं है। सिद्धार्थ तुम क्या बोल रहे हो, यश मेरा बेस्ट फ्रेंड है सिद्धार्थ, वो मेरे बचपन का फ्रेंड है, हाउ कुड इट बी, और तुम कोमा में थे ना, तुम ये सब, पास वक्त नहीं है, वो सब एक नाटक था, इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि जोकर मेरे पास है और अपनी सच्चाई मेरे सामने रिवील करे, और वही हुआ, और यश इज द ब्लडी जोकर। हमारे परिवार के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है, तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमले, आयशा की किडनैपिंग, सासू मॉम के ऊपर हमले, एवरीथिंग हैज बीन डन बाय हिम। प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो, इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी, प्लीज प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। भगवान को याद किया और शैतान हाजिर, और वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरा बदला लेने से भगवान भी नहीं रोक सकता। प्लीज मुझे मत मारो, देखो मैंने थोड़ी ना तुम्हें मारा, तुम्हें बदला ही लेना ना, तुम निखिल से बदला लो, उसी ने तुम्हें मारा है, मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा, मुझे मत मारो प्लीज। नहीं, नहीं, खून, खून के बदले, कौन? नहीं। पर माँ साहब, हम सब तो इसी घर के हैं, तो फिर हम परी और सत्तू को अलग करना क्यों चाहेंगे? हो ना हो, इन सब में
इसी लड़की का हाथ है। झूठ जितना बड़ा हो सफाई भी उतनी बड़ी हो जाती है छाए। तुझे कोई परहेज है क्या इन दस्तानों को पहनने से? नहीं नहीं माँ साहब, हम कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं, जो मैंने बोल दिया तो बोल दिया। ये दस्ताने सबको पहन के दिखाने होंगे। वो नंदिता ही थी माँ जिसने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया, तो उसका अंत भी आपको निश्चित करना है। जिस तरह इन पापियों का विनाश किया है आपने, उसी तरह नंदिता का भी आज ही विनाश हो जाएगा।